एक तरफ डायन मोहना की कैद में है पिया, तो दूसरी तरफ निशांत की गिरफ्त में हो गया है अंश। स्टार प्लस के सीरियल नजर में चल रहा है भूतकाल का ट्विस्ट, जहां सब लोग अपने वर्तमान की बातें भूल चुके हैं। कहानी फिर से शुरू हुई है, जहां पिया अपनी माँ की खोज में मुंबई आई है, लेकिन फंस गई है डायन मोहना के जाल में। असल में पूरे परिवार का खात्मा होने के बाद मोहना अमर हो गई है, और इसीलिए वो भूतकाल में जाकर अपनी मुसीबत की जड़ को ही खत्म करना चाहती है, और इसी के चलते वो कर लेती है पिया को अपने कैद में। हम सब प्रेजेंट से पास्ट में चले गए हैं, और पास्ट में हमें चीज़ें ठीक करनी है अब, तो उसी चक्कर में सारी चीज़ें रिवाइंड हो गई है, और रिवाइंड होकर हम 2 साल पीछे आ चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पिया का झुमका छूने के बाद अंश को अपने वर्तमान की हर बात याद आ गई है, और अब वो अपने घर वालों को याद दिलाने की कोशिश में लगा है। लेकिन उसी वक्त घर में पहुंच जाते हैं पिया के पापा निशांत, और अंश को कर लेते हैं अपनी गिरफ्त में। इसे झूठे ही आपको सब समझ आ जाएगा। अंश देख तू। नो प्लीज। तो ये वो वाला दौर आ चुका है जब फैमिली को पता नहीं है कि मैं दावंश हूँ, तो इस वजह से, बट मुझे सब कुछ याद आ चुका है। जो भी मेरा प्रेजेंट है वो मैं प्रेजेंट में जी रहा हूँ, पर मैं पास्ट में हूँ। लेकिन अंश तो दावंश है। जरा देखिए कैसे शुरू हो जाती है ससुर और दामाद के बीच हाथापाई। उसी बीच पिया के झुमके की मदद से अंश के घर वालों को भी सब याद आ जाता है। वो मुझे पकड़ने के तरीके से आ रहे हैं कि एक दावंश खुला छूट गया है, उसे पकड़ लेना चाहिए क्योंकि वो शायद डेंजरस हो सकता है सोसाइटी के लिए। बट मैं उनको समझाऊंगा कि आप जो कर रहे हैं वो आप शायद जानते नहीं, पर मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अब देखना होगा कि कैसे अंश और उसका परिवार मिलकर आने वाली मुसीबत का सामना करेगा और पिया की जान बचाएगा। प्रियांशु झा, मुंबई, आज तक।